हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं एंड्रॉइड सीरीज़। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बेसिकली होता क्या है? ग्रेडियंट सपोज़ आप कोई बटन है और बटन में आप सॉलिड में मल्टीपल कलर सेट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्रेडियंट। तो आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट लेंगे और इस प्रोजेक्ट का हम नाम देंगे ग्रेडियंट। ओके, ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। और इसमें हम सबसे पहले एक लीनियर लेआउट लेंगे और उस लीनियर लेआउट के अंदर हम एक बटन लेंगे। इसकी विड्थ में ले लेता हूँ 200 dpi एंड हाइट हम लेंगे रैप कंटेन। इस पे कुछ टैक्स सेट करेंगे, बटन ओके, और इस पर ग्रेविटी देंगे सेंटर में। ये हमारा आप देख सकते हैं। अब सपोज मैं इसमें चाहता हूँ 3 कलर और किसी एंगल से सेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम एक नई XML फाइल क्रिएट करेंगे ड्रॉबल के अंदर। तो आपको राइट क्लिक करना है ड्रॉबल के अंदर, न्यू, देन रिसोर्स फाइल, और मैं इसका नाम देता हूँ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ओके। और इसके अंदर एक होता है हमारा ओके। अब हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले ले लेते, चेंज कर लेते शेप। एंड हम इसको लेंगे, शेप हमारा लेंगे रेक्टेंगल। आप कोई सा भी शेप ले सकते हैं। और इसमें एक प्रॉपर्टी होती है ग्रेडियंट। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है जस्ट लाइक इसके अंदर ओके। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती है स्टार्ट कलर। स्टार्ट कलर आप कौन सा लेना चाहते हैं? सपोज स्टार्ट कलर हम लेना चाहेंगे 00FFFF ओके, ये हमारा स्टार्ट कलर है। देन एक होता है एंड कलर। एंड कलर आप कौन सा लेना चाहते हैं? तो एंड कलर के लिए होगा, आप कोई सा भी ले सकते हैं। सपोज़ मैं ले लेता हूँ रेड ओके। एंड एक प्रॉपर्टी होती है सेंट्रल कलर। सेंट्रल कलर सपोज़ मैं ले लेता हूँ इसको येलो ओके। और इसके बैकग्राउंड में हम सेट कर देते हैं बटन के। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा बटन सेट हो चुका है। अब एक चीज़ इसमें आती है, मैं इसे रन करके देख लेता हूँ।
ओके, ये एक चीज़ आप देख सकते हैं इसमें। हमने कुछ चीज़ें सेट की थी। स्टार्ट कलर हमने लिया था, मिडिल कलर लिया था, एंड एंड कलर लिया था। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पर और आती है, टाइप का। टाइप क्या रखना चाहते हैं? लीनियर, रेडियल, या सपोज़ मैं इसको रेडियल ले लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं रेडियल में कैसा होता है। शायद कुछ एरर है। ओके, ये लीनियर ही लेना पड़ेगा। एक चीज़ इसमें और है, इसमें हम एंगल सेट कर सकते हैं। सपोज़ हम यहाँ लेते हैं एंगल, एंगल ऑफ एक्स एंड वाई। सपोज़ मैं 90 डिग्री एंगल से ले लेता हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं ये 90 डिग्री से सेट हो जाता है। ये देखिए 90 डिग्री सेट हो गया। और अब इसमें एक चीज़ और आती है, यहाँ पर आते हैं कॉर्नर। इसके बाहर हम एक चीज़ और कर सकते हैं, कॉर्नर कॉर्नर रेडियस हम दे देते हैं 15 dB। सपोज हम कॉर्नर, तो अब ये क्या है? ऑलरेडी हम कॉर्नर का यूज़ पिछले लेक्चर में चुके हैं। ओके, तो ये तो हमारा था ग्रेडियंट। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेरी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिसाइकल लिस्ट व्यू के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।